हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ ईजीएस्ट मेथड टू फाइंड क्यूब। इसके पहले हम जो सीरीज लेकर आए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड था स्क्वायर्स निकालने का, फिर मैं आपके पास स्क्वायर रूट लेके आया था। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि ईजीएस्ट मेथड टू फाइंड क्यूब। देखिए, क्यूब निकालना जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तब। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि आपको स्क्वायर्स निकालना, क्यूब निकालना आना चाहिए। और मैं जो ये वीडियोस बता रहा हूँ ये स्कूल्स के बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे बैठते हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि उनको ज़्यादा आसानी हो सके। देखिए, स्टडी मटेरियल्स जो हैं आजकल बहुत महंगे मिलते हैं और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं आपको। आप भी चाहते होंगे कि कहीं से हमें आसान तरीके से कहीं कोचिंग मिल जाए, कहीं वीडियोस मिल जाए, ताकि हम लोग आसानी से पढ़ सकें। मैं उन गरीब बच्चों के लिए भी सोचता हूँ जो अपनी फीस भर नहीं पा रहे हैं। आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मैं आपको वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड्स बताऊँगा, ताकि आपको शुरुआती पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद हम लोगों ने प्लान किया है कि हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और खासकर बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग वीडियो बनाएं। चलिए, अब देखिए 1 to 10 ये आपको क्यों बच्चों याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी छूट नहीं है। आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। अक्सर बहुत सारे बच्चों को आधा तो याद होता ही होगा, आधा आपको और याद करना है। चलिए, मैं आपको एक वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड्स बताता हूँ कि कैसे हम चीज़ों को करेंगे। सपोज मान लीजिए कि मैं 23 का मुझे क्यूब निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए 4 स्पेस देंगे, ठीक है। अब इसमें हम 2 का क्यूब सबसे आगे वाले में लिखेंगे और लास्ट में 3 का क्यूब लिखेंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है हमारा 27, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। अब 18 2 जा कितना होता है, 18 2 जा हो जाता है 36, तो हम यहाँ पे 36 लिखेंगे, ठीक है। अब 18 3 जा क्या होता है, तो 18 3 जा हमारा हो जाएगा, कर लेते हैं, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 2 5, 54 हो जाता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम पहले इसके यूनिट डिजिट को लिखेंगे, तो ले लेते हैं हम 7, 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 54 और 2 हो जाता है हमारा 56, 56 में 6 को लिखेंगे, 5 हम यहां पे ऐड कर देंगे, 36 और 5 हो जाता है हमारा 41, 41 में 1 को लिखेंगे, 4 हम यहां पे ऐड कर देंगे, और 8 और 4 हो जाता है हमारा 12, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर है 12167। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप लोग भी इसको घर पे ट्राई कीजिए और भी नंबर्स को ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड्स मैं आपके पास और लाता रहूँगा। थैंक यू।